हाय गाइस, दिस इज जीआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, काफी लॉन्ग टाइम के बाद, काफी लंबे समय के बाद आप सभी के लिए रूम फ्री खाना फ्री वाली जॉब्स। यस, काफी लंबे समय के बाद सभी के लिए रूम फ्री और खाना फ्री वाली जॉब्स। तो गाइस, सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे नए सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर्स को। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नई नई जॉब के अपडेट आप तक जल्दी पहुंचे। और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक जरूर करें और कमेंट्स और शेयर करना कभी ना भूलें। तो गाइस, जॉब्स होने वाली है, नई गारमेंट्स की ओपनिंग की, नई गारमेंट्स कपड़ा फैक्ट्री की, जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही रिक्वायरमेंट है। अभी प्रेजेंट टाइम में ओपनिंग चल रही है केरला में, नॉट ए बेंगलोर, बेंगलोर में नहीं, केरला में अभी ओपनिंग चल रही है, इसमें पोस्टिंग चल रही है। तो गाइस, बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है ये। वीडियो को जरा पूरा देखें, एंड तक देखें, पूरी इंफॉर्मेशन के बाद मुझे कॉल करें कि इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है, कितने बेनिफिट्स हैं और टाइमिंग क्या है, सारा देखने के बाद ही हम लोगों को कॉल करें। तो गाइस, ये वीडियो होने वाला है कपड़े की फैक्ट्री का, केरला में लोकेशन और सैलरी इसमें आके 11,000 से 15,000 सैलरी रहती है, वो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को, जिसको पहले कपड़े में नॉलेज है या फिर जिसको टेलरिंग का नॉलेज है, जो टेलर के काम में पहले कर चुका है, उस कैंडिडेट्स को सैलरी रहती है 11,000 to 15,000, प्लस रूम भी फ्री रहता है, प्लस खाने का फ्री रहता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको मिलता है कंपनी की तरफ से 3 घंटा पर डे ओटी का, ओवर टाइम, यस, पर डे 3 आवर्स इसमें ओटी का मिलता है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें आपको संडे, एवरी संडे छुट्टी मिलता है, 8 घंटा ड्यूटी रहता है, प्लस ईएसआई रहता है, प्लस इसमें जॉइनिंग बोनस रहता है। आप अगर 365 डेज का जो एक साल रहता है उसमें 26 दिन जो ड्यूटी करना रहता है महीने का, वो क्रिटेरिया, एक साल तक अगर आप कंटिन्यू उस कंपनी में काम करते हैं तो आपको जॉइनिंग बोनस अलग से मिलता है, ईयरली 2,000 रुपीज, प्लस इसमें आपको सैलरी भी इंक्रीज होता है एवरी ईयर्स, हर साल आपको सैलरी भी इसमें इंक्रीज होता है। मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, लड़के लोगों के लिए अलग रहने की व्यवस्था है, अलग हॉस्टल की व्यवस्था है, और लड़की लोगों के लिए अलग रहने की, अलग हॉस्टल की व्यवस्था है इसमें, इस काम में। लैंग्वेज इसमें कोई भी चलती है, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, अगर आप पहले काम कर चुके हैं तो आपकी ये सैलरी रहेगी 11,000 से 15,000 रुपये। और अगर आप नए हैं उस फील्ड में, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको हेल्पर के जो मिलेगा उसमें सैलरी रहेगी 11,000 से लगाकर 13,000 रुपये, वो डिपेंड ऑन आपके ऊपर रहता है। आपको इंटरव्यू में जो है आप 10 से 15 दिन ट्रेनिंग दी जाती है, उसके में जो है आपको सैलरी फिक्स की जाती है, और फैसिलिटी वही रहती है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रहती है, 11,000 से 13,000 सैलरी के साथ में आपको रूम भी फ्री रहता है, खाने का भी फ्री रहता है, प्लस ईएसआई फैसिलिटीज रहती है, प्लस जो बोनस वगैरह रहता है, ज्वाइनिंग वगैरह, वो जो फ्री रहता है, प्लस जो है 3 घंटे का जो है ओवर टाइम मिलता है आपको, ओटी मिलता है, और संडे छुट्टी मिलता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से ज़्यादा कैंडिडेट्स है, लाइक 20 कैंडिडेट्स, 30 कैंडिडेट्स या 50 कैंडिडेट्स, तो कंपनी आपको अपने ही गांव से आपको टिकट की व्यवस्था भी करके देती है। जी हाँ, आपको कंपनी फ्री टिकट, ट्रेन टिकट फ्री करके देती है। अगर आप ज़्यादा कैंडिडेट्स है, 20 के तादाद में या 30 की तादाद में, तो और अभी रिसेंटली कल परसों हम लोगों का जो ओपनिंग प्रोसेस हुआ था स्टार्टिंग में, तो पहले दिन ही उड़ीसा से हम लोगों के पास मिनिमम करके 30 से 40 लड़की लोग आई है काम करने के लिए। उसका एक जो वहां से एक बंदा रहता है वो हम लोगों को भेजता रहता है,
तो इसमें लड़की लोग भी जो है अप्लाई कर सकती है। कपड़े की फैक्ट्री में लॉन्ग टाइम जो है काम रहता ही है, जो है 5 साल 6 साल 7 साल चलने वाला काम रहता है। दोनों को अलग अलग रहने की फैसिलिटी रहती है और खाने की तीनों टाइम फ्री फैसिलिटीज रहती है। पीएफ इसमें नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ ईएसआई रहता है जो मेडिकल फैसिलिटीज के साथ होता है। और एक बात गाइस, जो बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है वो बंदा मुझे पहले अपना आधार कार्ड भेजे और आधार कार्ड भेजने के बाद मुझे कॉल करे। विदाउट आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन का मुझे कॉल नहीं करे, क्योंकि काफी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। आप लोग जो कॉल करते हैं तो सर पूछते हैं किसमें जॉब है, कैसा जॉब है, वो पूरा डिटेल्स पूछते हैं, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाता है। इससे क्या रहता है कि दूसरा जो नंबर कोई कैंडिडेट कॉल करता है उसको बिजी 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 लगता है, बिजी आने लगता है कॉल्स। तो पहले वीडियो को पूरा देखें, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोगों को कॉल करें। फ्रेशर का भी है, एक्सपीरियंस का भी है। फ्रेशर का कम सैलरी है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ज्यादा सैलरी है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पहले लिया जाता है इसमें। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है 6 महीना साल भर कपड़े के फैक्ट्री में या फिर कपड़े के लाइन में या टेलरिंग के लाइन में, तो आपको 15,000 तक सैलरी मिलती है, प्लस 3 घंटा ओटी मिलता है। 3 घंटे ओटी का मतलब एक 3 से 4 हजार रुपये ओटी का, तो समझ के मान के चलिए कि 17 से 18 हजार रुपये आपका सैलरी रहता है। प्लस रूम की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कंपनी के द्वारा दी जाती है। एक और बात गाइस, एज लिमिट इसमें 18 साल लगाकर 25 ईयर्स रहता है। 18 से लगाकर 25 साल तक इसमें एज क्राइटेरिया रहता है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपको थोड़ा बहुत उस चीज में नॉलेज है, अगर आप कपड़े के फैक्ट्री में कुछ जानकार है या टेलरिंग में जानकार है, तो आपकी एज जो है 30 तक जो है लिया जाता है इसमें। 18 साल लगाकर 30-35 तक इसमें लेते हैं, और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, फ्रेशर को 18 साल लगाकर 25 साल तक लेते हैं। मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों है, रिक्वायरमेंट रहता है इसमें। और आप डायरेक्ट जा भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिस्क रहेगा। तो आप पहले मुझे आप अपना बायोडाटा सेंड करें, अपना आधार कार्ड सेंड करें, कितने कैंडिडेट्स है क्वांटिटी सेंड करें, 1 या 2 4 5 6 जो भी है उसके अनुकार, उससे हिसाब से हम लोगों का जो है आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। जहां आप उतरेंगे, जहां आप जिस स्टेशन पे रीच होंगे केरला में, वहां आपको पिकअप की भी व्यवस्था रहती है। मतलब कंपनी के द्वारा एक कैंडिडेट आपको वहां लेने के लिए भी आता है रेलवे स्टेशन पे। तो अच्छी खासी बेनिफिट्स वाली जॉब से गाइस। अब मैं उन लोगों को बात करता हूँ जो फालतू में घर पे बैठ के बकवास करते रहते हैं मेरे अपने YouTube चैनल पे, तो उनके लिए मैं एक लॉन्ग अच्छा एक आधा घंटा घंटे का एक वीडियो दूंगा उनके लिए बना के। अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास, जो ये बोलते रहते कि फेक्स फेक जॉब है, फ्रॉड है, ये है वो है। ज्यादा नहीं, एक ही दो ही कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी जॉब्स खोजते हैं जिनको 25,000-20,000 सैलरी चाहिए, कम टाइम चाहिए, महाराजा की तरह सोफे पे उनको बिठाना चाहिए, वैसे वैसे जॉब्स चाहिए। वे लोग चूतिया लोग साले जो है ऐसी ऐसी जो है गंदगी गंदी गंदगी फैलाते हैं मेरे इस चैनल पे आके। फेक जॉब है, फ्रॉड है। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा है जो मुझे पैसा दिया है, या फिर कौन ऐसा कैंडिडेट है जो मुझे पैसा दिया है, पैसा दे के रखा और उसके साथ फ्रॉड हुआ है? आज तक कोई बताए जरा, अभी तक नहीं कोई। ना तो हम लोग किससे पैसा लेते हैं और ना ऐसा कोई काम करते हैं। हम लोगों के पास पूरी की पूरी फ्री जॉब्स रहती है, फ्री जॉब्स। जहाँ दूसरी जगह 3-3 हजार 4-4 हजार लिया जाता है ना, वैसा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, आप लोगों का अगर ऐसा ही कमेंट्स हम लोगों के पास आता रहा, तो या तो कमेंट्स बॉक्स को क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का भी जो है चार्जिंग का रूल्स चालू करना पड़ेगा। कैंडिडेट से 3,000-4,000-1,000-1,500 रुपये कैंडिडेट से लेना पड़ेगा, तब उन लोगों को पता चलेगा कि सही में ये रियल जॉब है करके। क्योंकि जब जेब से पैसा जाता ना, तब पता चलता है कि काम मिलता कि नहीं मिलता है। फ्री का बोल के जो है ऐसे ही जो है मजाक जैसे उड़ाते हैं, वो लोग ही उड़ाते हैं जो अपने बाप का फोकट का खाते बैठे रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं रहता। वो लोग मुझे क्या, मोदी जी को भी उंगली कर देंगे, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, वैसा काम नहीं करता, वैसे काम नहीं करता है, क्योंकि उनका काम ही यही है, दूसरा कोई काम है ही नहीं। जो खुद तो भटके हुए हैं, खुद को तो जो नौकरी मिलती नहीं है, और जो दूसरे को जो नौकरी हम लोग दिलवा रहे हैं फ्री का जॉब, उनके भी पेट पे लात मार रही है सारे चूतिया लोग। तो गाइस सॉरी फॉर कि मुझे ऐसा लैंग्वेज यूज करना पड़ रहा है, मैं उनके लिए एक अलग से फ्री होके कभी वीडियो बनाऊंगा और उनको रूबरी होऊंगा, आमने सामने होऊंगा।
पूछूंगा कि जो है कौन जो है किससे आप किसने तुमको पैसा दिया, किसको दिया तुमको पैसा जो तुम फ्रॉड बोल रहे हो, फेक बोल रहे हो। एनीवे गाइस, उन लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहते हैं। हम लोगों का काम है आप लोगों को अच्छी से अच्छी जॉब प्रोवाइड करना। काफी लॉन्ग टाइम के बाद आप लोगों के लिए ये जॉब्स आई है, फ्री वाली जॉब है, रूम और फूड फ्री है। सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकता है। 80 to 70% इसमें गर्ल्स जो है रिक्वायरमेंट रहती है, और 50 to 60% जो है इसमें बॉयज रिक्वायरमेंट रहता है। अभी रिसेंटली जॉब चल रही है, नया गार्मेंट्स है, अभी ओपन हुआ है, लोकेशन केरला है। 300 से 400 बंदे की कैंडिडेट्स है, रिक्वायरमेंट है इसमें कंपनी में अभी। और जैसे जैसे खाली होता है, जैसे जैसे जो है रूटीन चलता रहेगा, वैसे वैसे हम लोग आपको फीडबैक देते रहेंगे इसके बारे में। तो गाइस, आपके लिए एक और अच्छी जॉब, एक और अच्छी हेल्पफुल जॉब। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल पे, और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि हम लोगों के पास पूरी की पूरी फ्री जॉब्स रहती है, हम लोग आपके लिए फ्री जॉब लेके आते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक और अच्छी नई जॉब्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।